दोस्तों नमस्कार। तो मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि मेरा BTC चल रहा है, तो BTC हम लोग का कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हो के अभी उसके बाद में हम लोग का ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो मतलब आपको 6 दिन का रहता है, जो आपको ड्यूटी पीरियड में वो ट्रेनिंग होता है, वो भी कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग का फीडबैक था, फीडबैक भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो फीडबैक में हम लोग को क्या क्या सवाल पूछा गया, मैं कुछ आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को भी कुछ जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छा है, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, ताकि आपको भी कुछ जानकारी मिल जाए, हो सकता है कुछ आप इससे भी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको आगे भी इस तरह का वीडियो देखने को मिलेगा, जैसे गाड़ी से संबंध हो या माइक से संबंध हो या सेफ्टी से, क्योंकि आगे भी इस तरह का वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमको पूछा गया था सबसे पहला सवाल कि हमको पूछा गया था जो माइंस में सामान्य सुरक्षा का SOP का जो पहला नंबर है, बोला PPE के बारे में बताओ। तो मैंने PPE के बारे में अच्छी तरह से, जो मतलब जो कुछ भी था PPE में, जो हम आप लोगों को पहले पढ़ के सुनाया था कि मतलब हम लोग का हो गया सेफ्टी शू हो गया, रेडियम जैकेट हो गया, उसके बाद में हेलमेट हो गया, और जो हम लोग का डस्ट मास्क वो हो गया, एयर प्लग हो गया, ये सब मैंने बता दिया। उसके बाद में और मेरे को पूछा कि डंपर ऑपरेटर के सुरक्षित संचालक, जो उसमें आपका क्या क्या मतलब उसमें आपको हमको पूछा गया कि गाड़ी में चढ़ने से पहले आप क्या क्या चेक करते हैं, तो उसमें आपको पता है क्योंकि आप भी एक ड्राइवर, तो आपको भी अच्छी तरह से पता है कि गाड़ी चढ़ने से पहले आप क्या क्या चेक करते हैं। तो मैंने बोला पूरा एक चक्कर गाड़ी की ओर घूमूंगा, मतलब चारों ओर देखूंगा, गाड़ी के नीचे देखूंगा कि कोई जानवर या इंसान तो नहीं है, या कुछ मतलब कोई पार्ट्स वगैरह मेरा टूटा तो नहीं है, कोई टायर पंचर तो नहीं है वगैरह वगैरह, मैं सब कुछ बता दिया हूँ। उसके बाद में मेरे को पूछा गया कि माइंस का कोयला खदान का ट्रैफिक नियम के बारे में बताओ। तो मैंने बता दिया कि डंप की ऊपर और जाने में 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और डंप के नीचे और जाने में 20 किलोमीटर की प्रति घंटा के स्पीड में, और समतल एरिया में हमको 30 के स्पीड में चलाना है, और जंक्शन या मोड़ पर 10 किलोमीटर के प्रति घंटा के स्पीड में चलना है। तो मैक्सिमम हम लोग का माइंस में स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह मैं अब उसको बता दिया। तो पूछा गया और मेरे को पूछा गया कि आपका गाड़ी का सेफ्टी फीचर के बारे में बताया। तो मैंने सेफ्टी फीचर के बारे में आप लोगों को पहले भी बताया था, तो फिर से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि मैं क्या क्या बोला। तो मैं बोला कि मतलब जो केबिन गार्ड, जो हम लोग को केबिन के ऊपर में जो हुड टाइप का नहीं रहता है, उसको बोलते हैं केबिन गार्ड एक्सटेंशन। उसके बाद में लिमिटिंग स्पीड डिवाइस, उसके बाद में प्रॉक्सी वार्निंग डिवाइस, उसके बाद में डंप बॉडी रीसेट इंडिकेटर विथ वार्निंग, उसके बाद में हैंड ब्रेक, सर्विस ब्रेक, और उसके बाद में एग्जस्ट, जो हम लोग का जो साइलेंसर में जो हम लोग का गार्ड लगा हुआ रहता है वो वाला, उसके बाद में बैटरी कट ऑफ स्विच, और उसके बाद में लोड इंडिकेटर, जैसे हम लोग का गाड़ी में लोड हो जाता है तो हम लोग को मतलब वार्निंग देता है कि लोड हो गया आपका बोल के, और ऑटो डिपिंग में भी आपका आएगा, मतलब जैसे ही हम लोग गाड़ी नाइट में जब गाड़ी हेड करके गाड़ी को चलाते रहेंगे, तो जैसे ही मतलब गाड़ी आपका सामने आएगा तो आपका ऑटोमेटिक अपने आप डिम हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे मैं कुछ सेंसर बोला। उसके बाद में फटिक सेंसर, जो हम लोग का जो आँखों के सामने जो लगाया रहता है, जो क्लस्टर बोर्ड के ऊपर में, आप अगर आँख ऐसे बंद करेंगे तो आपका उसमें आपको सिग्नल देगा, मतलब आर्म बजेगा जो टाया 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 करके, तो आपको उसमें कुछ बचाव के लिए दिया गया है। तो ये सब मैं फीडबैक में बताया। तो इस तरह फीडबैक में पूछा जाता है। तो आप लोग भी कभी भी फीडबैक में मतलब BTC में जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से मतलब अपना दिमाग में रखिए, ताकि आप ही का काम में आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।